आज हम बनाएंगे नबीज। नबीज खजूर के शरबत को कहते हैं, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक इन अदर रेसिपी ऑफ रमजान सीरीज। तो आज हम बनाएंगे एनर्जी से भरपूर ड्रिंक नबीज। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। नबीज बनाने के लिए हमें चाहिए खजूर। यहाँ पे मैंने 7-8 खजूर लिए हैं, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो के और इसकी गुठली को निकाल लिया है, ये देखें। तो इसको अब मैं इस हांडी में डाल दूंगी, आप चाहें तो बाउल में भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए बादाम। मैंने यहाँ पर 7-8 बादाम लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और हमें चाहिए यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इनको भी मैंने अच्छे तरीके से पानी के साथ वॉश कर लिया था। उसके बाद इसमें जाएगा सफ़ेद तिल 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। सब चीज़ों को हमने यहाँ पर धो के फिर यूज़ करना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लास्ट में इसमें जाएगा 1 गिलास ऑफ वाटर। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और ओवरनाइट के लिए इनको भिगो देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने ओवरनाइट इनको भिगोया था, तो खजूरें जो हैं वो अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंडर में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम 1 गिलास मज़ीद इसमें वाटर ऐड करेंगे। 1 गिलास हमने पहले ऐड किया था, 1 गिलास हमने अभी ऐड किया है, मतलब के कुल मिलाकर 2 गिलास हम यहाँ पर नबीज तैयार करेंगे। इसको आपने कम से कम 4 या 5 मिनट तक अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, ताकि सब चीज़ें अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। 5 मिनट हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, तो माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा नबीज बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इनको ग्लास में सर्व कर लेते हैं। तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल से आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली है ईद के लिए मज़े मज़े की मीठी मीठी सी रेसिपीज़। तो उन रेसिपियों को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।